चरत दसहूँ दिस मोती चरत नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ जिससे ताकि सभी को ये पता चल सके कि जो बनकर आता है वो कैसे बना, ये जानकर आपको जो बन चुका है उसके प्रति और भी ज्यादा आकर्षण बढ़ जाएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ, हमारा जो फेस्टिवल है उसमें हम लगातार, आपको पता ही है, हर 6 महीने पर हम फेस्टिवल करते हैं। तो आज अपने ही फेस्टिवल के एक स्पेशल प्रस्तुति को लेकर मैं उस पर एक मेकिंग वीडियो बना रही हूँ। तो मेकिंग ऑफ झरत दस्यो दिस मोती, बुलाकी राम हुए बुल्ले शाह। पहली बात तो ये बहुत ही अनोखा शीर्षक रखता हुआ विशेष कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुतिकरण है, जिसमें साधारण सा एक बुलाकी राम बुल्ले शाह हो जाता है। तो बुलाकी राम हुए बुल्ले शाह, बुल्ले शाह को सब जानते हैं, लेकिन बुल्ले शाह हुए कैसे, ये कहीं भी मेंशन नहीं है और ना किसी ने इस पे कभी दृष्टि डालने की कोशिश भी की है। कथक जगत को तो छोड़ ही दो, क्योंकि कथक जगत तो राधा कृष्ण राम सीता शंकर पार्वती और उसी के आसपास के घेरों से निकलने की कोशिश ही नहीं करता, और अगर निकलने की कोशिश करता है तो कॉन्टेम्प्ररी में इतने गहरे घुस जाता है कि वो भी किसी के काम का नहीं होता। खैर, उस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए नहीं आई हूं। तो मैं ये बात कर रही हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो ये जड़ें हैं, उनमें जो हमारे एनलाइटेड संत हैं जिन्होंने समाधि को प्राप्त किया है और उनके समाधिस्थ होने के बाद आप उनको जाने हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी है, उनकी जो यात्रा है कि वो कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे वो आत्मा से परमात्मा बने, कैसे वो आत्मा से परमात्मा बने, ये हम नहीं जानते हैं। तो इसी का बीड़ा मैंने उठाया है कि हम जैसी आत्माओं को भी परमात्मा होने का मौका मिले। तो ऐसे कई संतों पे मैं लगातार काम कर रही हूँ कथक के द्वारा, जिसमें कि मैंने रामकृष्ण परमहंस की समाधि गाथा तृष्णा से मुक्ति तक मेरा एक ऑलरेडी है, संत लालनाथ के ऊपर हंसा तो मोती चुगे वो किया था। उससे पहले मैंने किया था अष्टावक्र महागीता, अष्टावक्र के ऊपर मैंने कथक में ही प्रस्तुतिकरण किया है ये सब का। देखिए कितने ऊंचे और हाई लेवल के ये कॉन्सेप्ट हैं जो कभी कथक में छुए भी नहीं गए हैं। बुद्ध तक लोग पहुंचे हैं लेकिन इन संतों पर कभी काम नहीं किया गया जिन पे मैंने किया है। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद अपने जीवन को उस रास्ते पे रखा है इसलिए मैं काम कर रही हूं। जिन्होंने नहीं रखा है वो कैसे कर सकते हैं, तो कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ा आप नहीं कह सकते, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन मैंने अनोखा काम किया है ये पक्की बात है, जो अभी तक नहीं हुआ है ऐसा काम है। तो आज मैं बात करने जा रही हूं झरत दस्यो दिस मोती, बुलाकी राम हुए बुल्ले शाह मेकिंग। बेगस्यो कमल पुलियो काया झरत कहे गुलाल प्रभु के चरणन सो डोरी लागे भर। मेरे को फेस्टिवल परफॉर्म करना था और उसी समय मैंने अपने बालों को पूरा पूरा कटवा दिया था एकदम फ्लैट, क्योंकि
काफी सिस्टीन उस्टीन करके और तरह तरह के केमिकल्स लगाने की वजह से मेरे जो बाल थे सुंदर बनने के चक्कर में खराब हो गए थे। तो मैंने 4-5 साल तो वेट किया, काफी नहीं करवाया, लेकिन फिर जब अति हो गई, पार्लर के बिना मेरा काम ही नहीं चल रहा था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, तो फिर लास्टली जाकर मैंने पूरा क्लीन किया अपना हेड और नए बालों का, नेचुरल हेयर्स का वेट किया। लेकिन फिर आ गया ये फेस्टिवल। अब मुझे ये चैलेंज था कि मैं इस फेस्टिवल में ऐसा क्या करूं कि मेरे बाल आड़े ना आए, वो उस करेक्टर का हिस्सा लगे। तब मैंने सोच में अपने आप को डाला कि क्या किया जाए, क्या किया जाए ऐसा जो कि मेरे बालों को सूट करे। और विग लगाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि कथक में इतने चक्कर हैं और इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स है कि मुझे तो लगता था पहले समय ही विग नदारद हो जाएगी, तो इसलिए वो तो मैंने सबसे पहले ही आइडिया ड्रॉप किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या कॉन्सेप्ट लूं ऐसा, तब मेरे जहन में आया कि क्यों ना बुल्ले शाह किया जाए। तो बुलाकी राम तो एक चरवाहा है, खेतों पे काम करता है और खेतों पे काम करते करते वो परमात्मा की याद में खो जाता है। वाले अचार का राजा तेरा सुर है, सब डाल साजा तेरी मौजा, साटा बाजा 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 बंसी, सब कोई सुने सुनावे, पर इस दा कोई विरला पावे, बुल्ला पूज्य पाए तकरार, तू है आड़ खलौते यार, तू है आड़ खलौते यार, तू है आड़ खलौते यार। शून्य में डूब जाता है और काम करना भूल जाता है। तो एक छोटा सा चरवाहा है, यंग लड़का, फिर मैंने इसको डिजाइन किया बुलाकी राम को उन बालों के साथ में। मैंने अपने कॉन्सेप्ट में जो शुरुआती दौर है उसमें हमने दिखाया बुलाकी राम खेतों पे काम कर रहा है, खो रहा है बार बार। आप देखेंगे, आप वीडियो तो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, काम करते करते वो खो जाता, शून्य में खो जाता। तो हम बार बार म्यूजिक को साइलेंट कर देते थे। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह, बुल्ले शाह केड़ा कौन। की जाना मैं कौन भूले यार, बार बार साइलेंट हो जाता था म्यूजिक, ऑडियंस को शून्य को महसूस करने का मौका मिलता था। तो खेतों पे काम करते करते शून्य में खो जाना, तो ये देखकर जो और काम करने वाले थे वो चिढ़ते थे, तो वो गुलाल के पास जाते थे। तो गुलाल से जब वो बोलते थे डायलॉग बोलते थे, पीछे से डायलॉग आते थे, तो सारे डायलॉग जो है वो गुलाल बोलता था, तो गुलाल जो है वो डायलॉग्स में उनको डांट रहा है। इस सबरे की होते हो ताऊ, खामोश, कौन है ये काम चोर बुलाकी राम जो हमारे खेतों में काम नहीं कर रहा, उसकी इतनी जुर्रत। जो रहमत की बारिश करता है आसमान से बिजली भी वही गिरा सकता है, यदि हम सबके जख्म भर सकते हैं तो ना भूलने वाले जख्म दे भी सकते हैं।
वो थिएटर अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी तरीके से उसको, कहानी को आगे बढ़ाते हुए। फिर जब बुलाकी राम का दिखाते हैं कि वो धीरे धीरे इतना ज्यादा खोने लगा है कि अब बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, और ये हालत हो गई है कि अब वो बैठा ही रहता है, खो ही ज्यादा, अब उसका ध्यान का जो सुरूर है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि काम बिल्कुल मिनिमम हो चुका है। तो ये देख के और उसे शिकायतें गुलाल को पहुंचने लगी, जमींदार और गुस्सा करने लगा। बुलाकी राम को क्या आदत थी कि बुलाकी राम जो है वो कहता था कि मुझे एक बहुत ज्यादा अंदर से इच्छा है मेरी कि मैं बड़े बड़े संतों को भोजन कराऊं, संत जो हैं वो मेरे यहाँ आके भोजन करें और मैं उन्हें तरह तरह के भोज खिलाऊं। अब मैं हूं गरीब चरवाहा, खेतों पे काम करने वाला, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं उन्हें भोजन करवा सकूं, तो मैं कल्पना में उन्हें भोजन कराता हूं, काल्पनिक भोजन, काल्पनिक भंडारा कहना चाहिए, वो करा रहा था खेत पर बैठकर। तो उसमें वो पूरियां बनाता है, कढ़ाई में सब्जी बनाता है, आटा मारता है, और तरह तरह के भोज कल्पना में तैयार कर रहा है। है नहीं उसके पास, वो तो मैंने बताया ना गरीब है, कल्पना में बना रहा है, यानी कि वो ध्यान में खोता जा रहा है और उस कल्पना में भोजन बना रहा है। चलते चलते जो है वो लास्ट में दही की हांडी जो है बस वो सबको परोस ही रहा था, हांडी उठाता है और परोस ही रहा था दही। ये पीछे से गुलाल आता है और गुस्सा करता हुआ और तिल मिलाता हुआ आता है कि आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बुलाकी राम, बुलाकी राम, बुलाकी राम, ये नाम अब हमारे सब्र के बांध तोड़ चुका है। वह भूल गया है कि मौत पूछ के नहीं आती। हम तो उसे इस चाबुक से मारकर इस चाबुक को बदनाम नहीं करना चाहते थे, उसे होशियार करना चाहते थे, लेकिन इसका मिजाज बिगड़ गया तो काबू से बाहर होकर ये चल भी जाएगा। शायद वह भूल गया है कि गुलाल इस जमीन पर अकेले पैदा नहीं हुआ, उसके साथ उसकी बला की तानाशाही भी पैदा हुई है, और ये तानाशाही कहीं अपने भी आ जाए तो उसके रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। फिर उसके बाद में आके उसे लात मारता है। हराम खोर, काहिल, आलसी। बुलाकी राम वहीं गिर जाता है और गिरते ही एनलाइटेड हो जाता है, समाधिस्थ समाधि को उपलब्ध हो जाता है, और गुलाल पहली बार उन्हें बुल्ले शाह कह के पुकारते हैं। Oh,
गुलाल ही उन्हें बुल्ले शाह का सम्मान देते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं उनको, बुल्ले शाह कह के पुकारते हैं। और उसी वक्त कहते हैं, ये ऐसी निर्मम घटना है, ये ऐसी विलक्षण घटना है, पहली बार जो घटी कि वहां गुरु पैदा हुआ, यहां शिष्य पैदा हुआ, एक साथ दोनों पैदा हुए, गुरु बुल्ले शाह और शिष्य गुलाल हो गए। और कंधे पे बैठाकर, उठाकर अपनी गोदी में जो है वो बुल्ले शाह को लेकर आते हैं, पूरे खेत में घुमाते हैं। तो इस मेकिंग में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें क्या क्या हुआ। जरत दसु दिस मोती